Let's continue our chapter number 2, constitutional design. Students, in the previous lecture we discussed the difficulties of making a constitution of India. So there were the some difficulties before the making of the constitution. First was the India was a diverse country. India is still a diverse country. Second, the partition. The third, India's people are going to be changed into citizens from subject. Subject से जो है वो citizen में change हो रहे थे. There was a partition problem also. But in spite of all these problems, there are some advantages also. So in this lecture we will discuss the path to constitution. Now the path to constitution means जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे, उसके पीछे का प्रोसीजर क्या है, कौन सी चीजें हैं जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प की, क्या ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था या कुछ अदर जो कंट्रीज हैं या फिर कुछ अदर एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने हमें कॉन्ट्रीब्यूट किया. जैसे कि अभी हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका में और जो है इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो है एक डिफिकल्ट टास्क था. सम चैलेंजेस वर देयर बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर आर सम एडवांटेजेस आल्सो. जैसे कि साउथ अफ्रीका में क्या था, हमें उनके जो है ये डिसाइड नहीं करना था कि हम जो है कौन सी चीजों के लिए, कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो किस तरीके का हो, ये कंसेप्ट जो है वो उस टाइम हमारे माइंड में क्लियर था. सो दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक. सो नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट consensus about what a democratic India should have. कुछ फीचर्स इंडिया की डेमोक्रेसी को in
Indian society and politics. हमें जो है इंडियन सोसाइटी रिवेट करना था, दोबारा से जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स सिस्टम अडॉप्ट किए गए थे मेजर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उनमें हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, ये सारा रीजनरेशन भी जो है वो हमारे सामने एक चैलेंज की तरह था। तो हमें अपनी सोसाइटी को एज वेल एज पॉलिटिक्स दोनों को ही रीजनरेट करना था, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना था। सो द लीडर्स जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके पास भी क्या थे, उनके भी डिफरेंट ओपिनियन थे। डिफरेंट ओपिनियन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये जो दो कंसेप्ट है कि हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हमारा जो है पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसको लेकर भी डिफरेंट ओपिनियन थी, क्योंकि बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो हमारा इंडिया कैसा हो इन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस बारे में भी लोग जो है वो एक मत नहीं थे, देयर वर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दैट। सो दीज डिफरेंसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट टूडे ये जो डिफरेंसेस हैं वो आज के दिन में भी हमें देखने को मिलते हैं, बट ऑन द सम बेसिक रूल्स, ऑन द सम बेसिक कंसेप्ट्स और रूल वी आर एग्रीड। लेकिन इस चीज को भी कुछ, इसमें भी कुछ ऐसे रूल्स थे, ऐसे कंसेप्ट थे जिसमें भी सभी लोग जो है उसमें एग्री करते थे, जैसे कि इंडिया से पॉवर्टी को रिमूव करना चाहिए, अनटचेबिलिटी को खत्म होना चाहिए, जो लोग है उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग जो है वोटिंग राइट मिलना चाहिए। सो दीज आर द सम बेसिक रूल्स ऑन विच वी आर एग्रीड, कि सभी जो है उसमें एग्रीड थे। बाकी कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जिसको लेकर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जो है कंफ्लिक्ट था। यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे जो है इसकी ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्ट की गई, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे किसने जो है उसे ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया और कैसे इसका कंप्लीशन हुआ। सो नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इन 1928 में जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग यानी उसकी कंसेप्ट को अपने माइंड में लाना शुरू कर दिया था। और ये जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले किसने की, मोतीलाल नेहरू एंड अदर एट कांग्रेस लीडर drafted the constitution। इन्होंने जो है कुछ बेसिक रूल्स को लेकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना शुरू किया। कौन कौन, किसने स्टार्ट किया सबसे पहले, 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके एट कांग्रेस लीडर्स ने।
इसके बाद 1931 में क्या किया गया कि एक रेजोल्यूशन जो है वो कराची जो सेशन हुआ था उसमें भेजा गया. सो द रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन एट कराची सेशन of the Indian National Congress of the Indian National Congress dwelt on low independent dwelt on how independent India Constitution should look like. सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके एक कांग्रेस जो लीडर है उन्होंने ड्राफ्टिंग शुरू की. 1931 में फिर एक रेजोल्यूशन भेजा गया कराची सेशन में. जो कराची सेशन में ये सेशन था वो किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का. और वहां पर क्या डिस्कस किया गया कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए. तो ये जो प्रोसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जिसमें हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हमारे जो है सारे ड्यूटीज भी बताई गई है, सारे लॉज पॉलिसीज सब कुछ उसमें दिया गया कि हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उसे कैसे फॉर्म किया जाएगा, गवर्नमेंट कैसे रन होगी. तो ये एक पूरा प्रोसीजर था जिस पर हमारी कंट्री का आगे की रूलिंग जो है डिपेंड करती थी. तो ये जो सारा प्रोसेस है वो किसी एक दिन का या एक ईयर का नहीं था. देयर दिस वाज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड मेनी थिंग्स हैव टू बी डिबेट और डिस्कसिंग. तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी ड्राफ्टिंग शुरू करके एक रेजोल्यूशन पास किया गया. सो बोथ द डेमो डॉक्यूमेंट्स वर कमिटी टू द बोथ द डॉक्यूमेंट्स वर कमिटी टू द Universal Adult Franchising Right to Freedom and Equality. अब ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हमारे सेशन में भेजे गए उन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस पर भेजते, किस पर एग्री करते थे कि हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या? डू यू नो? नो. ओके, देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स एवरी पर्सन इन इंडिया In spite of any differences, whether that is caste, religion, or sex, they have the right to vote above the age of 18. कि 18 की एज से ऊपर जितने भी पर्सन हैं, चाहे वो मेन हैं, वुमेन हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उन्हें यहाँ पर वोटिंग राइट है. क्लियर है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? कि सबको एक जैसा वोटिंग राइट अबव द एज ऑफ 18. ये चीज. दूसरा कि राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, कि हम लोगों को जो है फ्रीडम राइट होना चाहिए. अब फ्रीडम राइट नहीं कि आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, उस चीज की फ्रीडम. फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ठीक है, फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन. These freedoms are given in the constitution and right to equality. Right to equality means
there is no difference on the basis of caste, religion and sex. All the people of India are equal, whether they are rich, they are poor, or they are men, or they are women, or any other religion or caste. कि किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, मैन हैं, वुमेन हैं, या फिर वो क्या है, किसी भी जो है कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन सबको क्या है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, उन सबको इक्वल ट्रीट किया जाए. ठीक है, अब ये चीज जो है आपको मैंने लास्ट लेसन जो है क्लास में भी पढ़ाया था कि क्या होता है हमारे यहाँ पर, राइट टू इक्वालिटी का मीनिंग क्या है, कि कभी भी कोई भी केस है अगर, तो उसमें चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना है, या हमारे जो है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी बिलोंग करता है, अगर उनकी डेथ है तो उनको वहां पर कोर्ट में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि अगर केस एक पुअर के साथ चल रहा है तो एक गरीब आदमी ही वहां जाकर खड़ा होगा. एक अगर पॉलिटिकल पर्सन है उसको भी जो है कहां जाना होगा, कोर्ट में प्रेजेंट होना ही होगा. तो दैट डिपिक्स अ इक्वालिटी बिफोर द लॉ आल्सो. सो दिस आर एग्रीड इन द बोथ डॉक्यूमेंट्स. क्लियर. नेक्स्ट, इट अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स, मेक द नोट, ओपन योर नोटबुक एंड पेन. So some basic rules all the leaders. इसलिए कुछ जो basic rules हैं उस पर सभी लीडर्स जो हैं उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया. एंड दीज रूल्स आर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी. बट बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड
These are the three constitution, three institution of India, and how it works. That are understood during the British rule. कि हम जो है ब्रिटिश रूल में हमने ये सीखा कि ये तीनों चीजें जो है वो कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और हमें इसमें कैसे वर्क करना चाहिए. सो दिस वाज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल कि जिसमें हमें क्या हुआ, एक वर्क एक्सपीरियंस मिला अंडर द ब्रिटिश रूल. The leaders came to know how the institution worked जब उन्होंने पार्लियामेंट में शेयरिंग की, उनको भी वहां पर जो है प्लेस मिला, तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि उनको उसका एक्सपीरियंस मिला. अब एक चीज को हम नए तरीके से बनाते हैं. सपोज कि आज के आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आप बहुत ही फ्री गिफ्टेड उसको यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आप ये नहीं सोचोगे कि कैसे ये जो है किसी के दिमाग में फर्स्ट टाइम कंसेप्ट आया होगा, है ना. एक कंसेप्ट आने के बाद उसमें अमेंडमेंट करना, उसमें इंप्रूवमेंट करना, दैट क्वाइट बी इजीली. ये इजी हो सकता है कि हम उसमें अमेंडमेंट करें क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं. लेकिन उस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट कंसेप्ट माइंड में आना और वो कैसे वर्क करेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना. कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसने सबसे पहले जनरेट की, बल्ब जो है वो कैसे इनोवेट हुआ, तो ये सारी चीजें, मोबाइल फोन किसने जो है इंट्रोड्यूस किया, तो ये सब कंसेप्ट किसके दिमाग में है. आज तो हम नई टेक्नोलॉजी को उसको और एडवांस किए जा रहे हैं, दैट क्वाइट इजी, बट द फर्स्ट कंसेप्ट इज डिफिकल्ट. सो यहाँ पर भी यही सेम था कि अगर हमें फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूशन बनाने होते या हमें उन सबको अडॉप्ट करना होता फर्स्ट टाइम, तो ये हमारे लिए जो है एक नॉन एक्सपीरियंस होता और इट मे बी रॉन्ग. तो यहाँ पर हमारी जो है मिस्टेक्स होना जो है वो पॉसिबिलिटी उसकी कई ज्यादा होगी. लेकिन अब क्या था कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज को जो है फॉलो कर चुके थे, उनके पास इस चीज का एक्सपीरियंस आ चुका था कि कैसे इंस्टीट्यूशन फॉर्म किए जाते हैं, पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या है. नो डाउट कि उस टाइम जो है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सबको वोटिंग राइट नहीं था. जैसे कि अभी मैंने लास्ट बताया कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा बेसिक राइट रखा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. लेकिन जब ब्रिटिश रूल था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तब भी थी, लेकिन वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर नहीं थी. जो वोटिंग होते थे वो किसके लिए होते थे, दैट वाज बी द सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर बिकॉज very weak legislature because the voting right was not given to all. ठीक है, जब हमें सबको वोटिंग राइट नहीं है क्योंकि उस टाइम जो हमारे लीडर्स थे उनको प्रॉपर वोटिंग राइट नहीं. जैसे मैं आपको अभी बताती कि जो ब्रिटिशर्स है उनकी लेजिस्लेचर जो है वीक थी क्योंकि दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडियन, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स. सो दे आर नॉट गिवन, दे वर नॉट गिवन द राइट टू वोट टू ऑल कि हमारे ही फेवर में रहे, हमारे ही लोग ज्यादा होंगे तो क्या होगा, हमारा कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी पॉलिसी होगा वो हमारे ही फेवर में जो है पास हो जाएगा लेजिस्लेचर में. तो इसलिए उनका जो लेजिस्लेचर है वो क्या था, वीक था. गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इन 1937 इलेक्शंस were held
to provinces, constituencies, and ministers are over British India. Provincial Parliament. इलेक्शंस हुए वो किसके लिए हुए? प्रोविंशियल पार्लियामेंट। प्रोविंशियल पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ के एरियाज हैं, जैसे आज हमने वोटिंग टाइम में हम क्या करते हैं कि पूरी कंट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम कंट्री को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ पर क्या किया गया था, जिसको हम खंड बोलते हैं या पार्ट बोल सकते हैं, प्रोविंशियल मीन्स, तो यहाँ पर अलग अलग प्रोविंशियल के पार्लियामेंट के लिए वोट हुए और मिनिस्टर्स के लिए ऑल ओवर इंडिया 1937, बट द वोटिंग राइट वॉज नॉट फॉर ऑल, क्लियर, सो दे वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक। अब लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि फुली डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, क्या होती है भाई, हमने कुछ एग्जांपल पढ़े थे चाइना मैक्सिको के, सो स्पीक आउट क्या होती है, किया नहीं की थी, ओके। फुली डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो क्या है, जहां पर हमें सभी सिटीजन्स को वोटिंग राइट होता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, और जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैंड हो, सभी को इक्वल वोटिंग राइट हो, तभी उस कंट्री को हम फुली डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या ये चीज फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही ना, क्योंकि द वोटिंग राइट वाज नॉट गिवन टू ऑल, सो दैट वाज नॉट फुली डेमोक्रेटिक, क्लियर। लेकिन इससे हमें फायदा क्या हो, अब हम ये बात कर रहे थे ना कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, इस चीज का हमें एडवांटेज क्या हुआ, इस चीज का एडवांटेज ये हुआ कि हमें एक तो पार्लियामेंट्री कंसेप्ट मिल गया कि यहाँ पर हमारे अलग अलग पार्ट के जो है मेंबर्स क्या होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ताकि पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट किया जा सके पार्लियामेंट, पूरी कंट्री के लिए बोलने वाला कोई पर्सन होना चाहिए, उनके क्या जो है ग्रीवेंसेस है, क्या उनकी जो है एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारी चीजें बताना, मैं कोई पर्सन होना चाहिए, तो पार्लियामेंट्री कंसेप्ट हमें इससे मिला। हाँ जी सर, मैम 7 मिनट आर लेफ्ट, ओके। दूसरी चीज कि हमें इससे वोटिंग राइट का पता था, ठीक है, कि वोटिंग राइट होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे बेस जो है वो हमें किससे कॉन्ट्रीब्यूट किए, ब्रिटिश रूल से, क्लियर हुआ, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ ब्रिटिश रूल का, तो ये सारी चीजें जो है, थर्ड वाज द इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे कोई इंस्टीट्यूशन वर्क करता है, सो द एक्सपीरियंस ऑफ वर्क विद इंस्टीट्यूशन was also very useful during the for the independent India. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल तीन इंस्टीट्यूशन जो है वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे, कौन कौन से, एक तो पार्लियामेंट जिसको हम क्या कहते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो भी लॉज और ये सब करते हैं, ठीक है,
दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव कि जो लॉज या पॉलिसीज पार्लियामेंट में बनाई जाए उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, उनको जब भी कोई भी लॉ या पॉलिसी बनाया जाता है उस पर किसी ना किसी ऑफिसर के गजेटेड ऑफिसर के साइन होना जरूरी है। जैसे हमारे स्कूल में कोई भी पॉलिसी या हम कोई भी जो है सर्कुलर निकलता है तो आपने देखा होगा उसपे नीचे प्रिंसिपल मैम के साइन होते हैं। अदरवाइज कोई भी चीज मैं भी लिखूं पेज पर, क्या उसकी कोई अथेंटिसिटी है, क्या कोई उसको मानेगा कोई और टीचर? नहीं मानेगा ना, जब तक कि उस पर जो है अथॉरिटी के यानी कि प्रिंसिपल मैम या डायरेक्टर सर या कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन के साइन नहीं होंगे, है ना। दैट इज एग्जीक्यूशन कि पार्लियामेंट में लॉ तो बना दिया गया उसको एग्जीक्यूट कर कौन करेगा। थर्ड, फिर यहाँ पर जो है वो क्या हो सकती है, फिर से अपनी मनमानी हो सकती है, तो इन पर जो है कौन करता है, जुडिशरी। जुडिशरी जो है इसे क्या करती है, चेक एंड बैलेंस करती है। तो ये तीन इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी भी कंट्री के जो हमें किसने जिसके साथ वर्क एक्सपीरियंस कैसे मिला हमें ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने इन तीनों सेक्शंस को तीनों इंस्टीट्यूशन को जो है इंडिया में इंप्लीमेंट किया, चाहे वो उनकी फेवर में ही थे लेकिन फिर भी हमें उस चीज का क्या मिला, एक बेनिफिट मिला कि इन इंस्टीट्यूशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे इनके साथ वर्क किया जाता है, क्या इनमें बेसिक रूल्स होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है हमारे यहाँ के लीडर्स को ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मिला। सो दैट इज व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट दैट इज व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन many institution details Vandana ma'am Anji only 3 minutes okay details and procedures from colonial rule like the government of India act 1935 इसलिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, इंस्टीट्यूशन अभी मैंने बताया, इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स थे प्रोसीजर थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश रूल है उसने भी हमें हेल्प किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, हमें अपने सिटीजन्स को जो है क्या राइट देने चाहिए, वोट सबको नहीं दिया तो इस चीज को हमने फेस किया, इससे क्या डिफिकल्टी आती है, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक जो है कंसेप्ट रखा राइट्स टू वोट, लेकिन उसने क्या अमेंडमेंट किया, दैट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग में हेल्प की। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन नाउ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। हाँ जी बेटा कोई डाउट है, क्लियर है सारा कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट हम जो है लेक्चर में कल करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्टिंग में और कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें कॉन्ट्रीब्यूट किया जी, और उसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का जो प्रोसीजर है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कितने टाइम में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हुई। Thank you.
स्टूडेंट्स नोट डाउन दीज की पॉइंट्स.